नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। देखो भैया, हिंदुस्तान की नेता नगरी की खासियत ही यही है कि अपने हिसाब से धोखा दे सकते हो, अपने हिसाब से पैर पकड़ सकते हो, अपने हिसाब से आ सकते हो, अपने हिसाब से जा सकते हो, अपने हिसाब से लाए जा सकते हो और अपने हिसाब से भगाए जा सकते हो। लोकतंत्र का भरपूर इस्तेमाल अगर किसी पेशे में होता है तो वो नेता नगरी ही है, बाकी जगह बंधन होते हैं। लेकिन नेता नगरी में आपके ना आगे नाथ होती है ना पीछे पगहा होता है, मतलब आपको छुट्टा सांड होने का भरपूर मौका इसी पेशे में मिलता है। ओम प्रकाश राजभर को तो आप जानते ही होंगे, वही जिनको कल तक कोई नहीं जानता था। अरे बुरा मानने की बात नहीं है, 2017 के पहले वाकई कोई नहीं जानता था। 4 साल विद्रोह करने के बाद उनको बीजेपी की चाय फिर से अच्छी लगने लगी है। चुनाव आने वाले हैं, इसीलिए बीजेपी ने चाय में चीनी और दूध बढ़ाकर डालना शुरू कर दिया है। चाय कब चैलेंजिंग बनानी है और कब चुस्की वाली, ये बीजेपी से अच्छा कोई नहीं जानता। पिछले 4 साल से ओम प्रकाश राजभर के लिए बीजेपी की चाय चैलेंजिंग थी, अब 2022 के उबाल से पहले चुस्की वाली होने लगी है। चाय ठीक बनते ही ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के घर जाकर चाय पी लिए। बोले, स्वतंत्र देव सिंह पहले तो पिछड़ों के नेता हैं, इसीलिए आया हूं। कहा जाने लगा कि ओम प्रकाश राजभर एनडीए में फिर से वापस आ सकते हैं। बंद कमरे में 1 घंटे तक बात चली। मेरे सूत्र कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर स्वतंत्र देव सिंह से मिलकर एक तीर से 3 निशाने लगाने में कामयाब हो गए। पहला, मंत्री स्वाति सिंह के पति दयाशंकर के एमएलसी के टिकट की पैरवी। दूसरा, एनडीए में अपनी जरूरत और वापसी की चर्चा को गर्म करना। तीसरा, सपा को बार्गेनिंग का संदेश देना। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि 45% ओबीसी वोट उनके साथ है। 2022 के चुनाव में बीजेपी राजभर को अपने से अलग नहीं होने देना चाहती, क्योंकि यूपी में 4% राजभर वोट यूपी की लगभग 70 सीटों का भविष्य तय करता है। 15 से 20 सीटें ऐसी हैं जहां राजभर ही सीट हराते हैं और राजभर ही सीट जिताते हैं। पिछले 2017 के विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को 8 सीटें लड़ने के लिए दी थी। ओम प्रकाश राजभर 4 सीटें जीते थे और 3 सीटों पर नंबर 2 पर रहे। ओम प्रकाश राजभर को स्वतंत्र देव सिंह के घर पर लेकर बलिया से आने वाले दयाशंकर लेकर गए थे, वही दयाशंकर जो यूपी की मंत्री स्वाति सिंह के पति हैं। कहते हैं कि दयाशंकर जी को एमएलसी का टिकट चाहिए। खैर, ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि उनकी मांगे अगर बीजेपी ने मान ली तो वो बीजेपी के साथ आ सकते हैं, क्योंकि राजनीति में कोई दोस्त कोई दुश्मन नहीं होता है। राजभर की सबसे मेन मांग है कि बीजेपी किसी पिछड़े को मुख्यमंत्री बनाए। नड्डा और शाह से भी वो राजभर मुलाकात करेंगे। दिल्ली से डील डन हो गई तो ओम प्रकाश राजभर 3 साल के भूले 4थे साल घर वापसी कर सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने एक मोर्चा बनाया है जिसमें ओवैसी शामिल हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर तो बीजेपी के सहयोगी खुले तौर पर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की बी टीम के आरोपों के साथ यूपी में चुनाव लड़ने आई ओवैसी की एआईएमआईएम का क्या होगा, सवाल ये भी है। क्योंकि राजभर का कहना है कि उनका ओवैसी के साथ अभी आधिकारिक तौर पर कुछ क्लियर नहीं हुआ है। बीजेपी के साथ सरकार में रहने के बाद भी ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी की जितनी मुखालफत की है उतना विपक्ष भी नहीं कर पाया है, लेकिन धीरे धीरे नफरत मोहब्बत में बदल रही है। इस समय राजभर की 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है। एक फूल दो माली की तरह ओम प्रकाश राजभर सपा की तारीफ भी करते हैं। सपा में आने से राजभर को कोई परहेज भी नहीं है, क्योंकि वहां तो राजभर को पिछड़ा मुख्यमंत्री ऑटोमेटिक ही मिल जाएगा। बीजेपी के साथ राजभर की मुलाकात सपा पर दबाव जरूर बनाएगी। 2022 के चुनावों में चर्चा के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ऐसी बातें और सत्य के करीब वाले राजनीतिक विश्लेषण जारी रहेंगे। चलते हैं, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।